नमस्कार, शाम के 6 बजने को हैं, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बहकावे में ना आओ, अपने अक्ल लगाओ। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी पर विरोध पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा उसका लब्बो लुआब यही है। पीएम ने दो टूक लहजे में कहा कि नागरिकता कानून पर कांग्रेस और विपक्ष भ्रम फैला रहा है, वोट बैंक की राजनीति करने वाले दल मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि नागरिकता संशोधन कानून से देश की माटी के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। एनआरसी पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब से सरकार बनी है एनआरसी पर चर्चा ही नहीं हुआ है। उन्होंने ममता बैनर्जी पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि दीदी ने खुद बांग्लादेश में धर्म के आधार पर पीड़ित शरणार्थियों के लिए मदद मांगी थी। आज के हल्ला बोल में चर्चा इस बात को लेकर कि पीएम के भाषण के बाद क्या उनके बाद अब नागरिकता कानून पर विवाद खत्म हो जाएगा। जिस तरह का भाषण दिया है नरेंद्र मोदी ने, क्या प्रधानमंत्री के भाषण से विपक्ष के सारे संदेह मिट जाएंगे? क्या पीएम ने अपने भाषण में उन संदेहों को दूर किया जिसे नागरिकता कानून का विरोध कर रहे लोग उठा रहे हैं, या फिर प्रधानमंत्री ने सिर्फ वही बातें दोहराई जो गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के नेता दोहराते हुए चले आ रहे हैं? बहस का दौर शुरू करें उसके पहले आपको दिखाते हैं पीएम मोदी ने आज क्या कुछ कहा है, जिसके जरिए सवाल ये, बहकावे में ना आओ, अपने अक्ल लगाओ। देखिए, विविधता में एकता, विविधता में एकता, विविधता में एकता, भारत की विशेषता। इस नारे के साथ जब पीएम मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में अपना भाषण शुरू किया तो साफ हो गया कि नागरिकता संशोधन बिल और एनआरसी के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर देश को हर सवाल का जवाब मिलने ही वाला है, और मिला भी। इस बिल के पास होने के बाद कुछ राजनीतिक दल तरह तरह की अफवाहें फैलाने में लगे हैं। क्या जब हमने दिल्ली की सैकड़ों कॉलोनियों को वैध करने का काम किया तो क्या किसी से पूछा था कि आपका धर्म क्या है, आपकी आस्था क्या है? क्या हमने आपसे कोई सबूत मांगे थे? 70 का सबूत लाओ, 75 का सबूत लाओ, 80 का सबूत लाओ, मांगा था? पीएम ने मुसलमानों को भरोसा दिया कि सीएए से उन्हें डरने की जरूरत नहीं, जो भारत के नागरिक हैं उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने कांग्रेस से लेकर ममता बनर्जी और कथित अर्बन नक्सल पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। एनआरसी, इसका भी ऐसा झूठ चलाया जा रहा है। ये कांग्रेस में जमाने में बना था, तब सोए थे क्या? हमने तो बनाया नहीं, पार्लियामेंट में आया नहीं, न कैबिनेट में आया है, न उसके कोई नियम कायदे बने हैं। हवा खड़ा किया जा रहा है। आज दीदी ममता दीदी सीधी दीदी सीधी कोलकाता से यूएनओ पहुंच गई, लेकिन कुछ साल पहले तक यही ममता दीदी संसद में खड़े होकर गुहार लगा रही थी कि बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को रोका जाए, वहां से आए पीड़ित शरणार्थियों की मदद की जाए। अब भी जो भ्रम में है, मैं उन्हें कहूंगा कि कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेंशन सेंटर की अफवाहें सरासर झूठ है, बद इरादे वाली है, देश को तबाह करने के नापाक इरादों से भरी पड़ी है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। पीएम ने कहा कि सीएए को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है, वोट बैंक की राजनीति के तहत मुसलमानों को डराया जा रहा है। ये कांग्रेस वालों ने और उसके साथियों ने चिक चिक करके बोला, वो देखो कौवा कान काट कर उड़ गया,
कौवा कान कर कर उड़ गया और कुछ लोग कौवे के पीछे भागने लगे। अरे भाई पहले आप कान तो देख लीजिए कि कौवा काट गया कि नहीं काट गया, पहले ये तो देख लीजिए कि एनआरसी के ऊपर कुछ हुआ भी है क्या, झूठ चलाया जा रहा। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो हो, सिर्फ आसाम के लिए करना पड़ा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून, ये भारत के किसी नागरिक के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ये कानून उसके लिए है ही नहीं। ये पार्लियामेंट में बोला गया है और पार्लियामेंट में गलत बयानबाजी अलाउ नहीं होती है। दिल्ली की 1731 कॉलोनियों को नियमित करने पर बीजेपी की धन्यवाद रैली में पीएम मोदी विरोध प्रदर्शन के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर भी बरसे। देश में चल रहे हिंसक प्रदर्शन के बीच ये पीएम का पहला भाषण था और अपने करीब 100 मिनट लंबे भाषण में उन्होंने इसे लेकर सारे संशय मिटाने की कोशिश की। देखना दिलचस्प होगा क्या विपक्ष और नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी इससे संतुष्ट होंगे। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। क्या विपक्ष को उनके तमाम सवालों का जवाब मिल गया है? आज जिस तरह से 100 मिनट का लंबा चौड़ा भाषण राजधानी दिल्ली में दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसी के साथ चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय जल्दी से आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के शर्मा जी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेडीयू से सईद अफजल अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कह दिया है, जिनकी पार्टी ने एनआरसी बिहार में कतई लागू नहीं होगा। संजीव उनियाल साहब जो कि वरिष्ठ वकील हैं, आरएसएस के जानकार, वो भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। तौसीफ खान साहब जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, टीएमसी सपोर्टर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वारिस पठान एआईएमआईएम के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही सुनील चोपड़ा जो कि सीपीआईएम के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उसके पहले बिजनौर लिए चलते हैं। प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची हुई हैं पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए। उनकी ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि बिजनौर में एक प्रदर्शनकारी की जान चली गई, जिनके पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त पहुंची हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि लगातार सीएए और एनआरसी को लेकर प्रियंका गांधी मोदी सरकार और बीजेपी पर हमलावर हैं और ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ये बिजनौर की प्रियंका गांधी वाड्रा पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंची हुई हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, कुछ बोल रही हैं, एक बार सुनने की कोशिश करते हैं। कत्तर ले लिया या जो भी ले लिया, कह दिया उससे पहले का कोई पत्र दिखाइए, कोई कागज दिखाइए कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, नहीं तो हम आपकी नागरिकता नहीं मानते। मैं मोदी जी कहते हैं भारतीयता का जो सबूत है उसको मांगने की इजाजत नहीं है। मैं मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, प्रधानमंत्री साहब की रैली है, क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहती हूँ, आप अकेली हैं मत, प्लीज सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, अर्थव्यवस्था डूब रही है, जीडीपी इससे कभी नीची नहीं गई है, जितनी इतनी है उतनी नीची है। आज बेरोजगारी हद से बाहर है, प्रधानमंत्री जी और सरकार उसके उससे ध्यान बहकाने के लिए उन्होंने ये सारा कानून निकाला, जिससे आज आपने देखा इस कानून का देश भर में विरोध है, हर जगह विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं इसका, प्रधानमंत्री और सरकार सुनना भी नहीं चाहते। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो असली मसले हैं उन पर ध्यान दें और इस पर ध्यान दें कि विद्यार्थी क्या कह रहे हैं, कि इस देश की जनता क्या कह रही है, ये कानून नहीं चाहिए इस देश को। यहाँ पर नेटवर्क में टेरर बहुत ज्यादा, शहर में अपना घर बसा लिया, एक झुग्गी ले ली, आप उससे उसकी जमीन के कागज मांगेंगे, कौन सा पहचान मांगेंगे कि पता नहीं कोई भी साल आपने ले लिया, 1971 ले लिया या जो भी ले लिया, कह दिया उससे पहले का कोई पत्र दिखाइए, कोई कागज दिखाइए कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, नहीं तो हम आपकी नागरिकता नहीं मानते। मैं मोदी जी कहते हैं भारतीयता का जो सबूत है उसको मांगने की इजाजत नहीं है किसी को। मैं मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, प्रधानमंत्री साहब की रैली है, तो मैं मुसलमानों में क्या कहना चाहता हूँ?
मैं ये कहना चाहती हूँ, आप अकेले मत, प्लीज सर सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, अर्थव्यवस्था डूब रही है, जीडीपी इससे कभी नीचे नहीं गई है, जितनी इतनी है उतनी नीचे है। प्रियंका गांधी वाड्रा को आप सीधे सुन रहे थे बिजनौर से, सीधे सीधे मोदी सरकार पर हमलावर होती हुई और ये कहती हुई कि दरअसल सीएए और एनआरसी की जरूरत है इस देश को नहीं है, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है जो देश देख भी रहा है, लगातार वो हमलावर है। और आपको बता दें कल कांग्रेस पार्टी का इसको लेकर जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार को घेरने का लंबा चौड़ा प्लान भी है, लेकिन शुरुआत एआईएम से करते हुए, चूंकि आज मुस्लिम धर्म के लोगों को भी सीधे सीधे संबोधित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारिश पठान साहब, और उनकी ओर से जो कुछ कहा गया है अक्षरशः मैं उसको पढ़ रही हूं। इस देश की मिट्टी के मुसलमान जो हैं, जिनके पुरखे मां भारती की संतान थे, उन पर नागरिकता कानून एनआरसी का कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को ही संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बड़ी बातें कही है। संतुष्ट हो गए आप नरेंद्र मोदी के आश्वासन के बाद कि देश के मुसलमानों का इस सीएए से, इस एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, नहीं, इस बात को समझिए आप। नहीं, मैं समझ रहा हूं प्रधानमंत्री ने जो कहा, उन्होंने कहा कि इन्फिल्ट्रेटर्स और रेफ्यूजीज, उनकी बात कही, तो हम ये समझ लें कि जो 540,000 हिंदू बांग्लादेश से आए आसाम में, जिनका नाम एनआरसी में नहीं है, वो रेफ्यूजीज हो जाएंगे, और जो 500,000 मुसलमान आसाम में आए हैं जिनका नाम नहीं है, उनको इन्फिल्ट्रेटर बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा डिटेंशन सेंटर की जो बात है वो सिर्फ अफवाह है, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, जुलाई में उन्हीं की होम सेक्रेटरी डिपार्टमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सर्कुलर निकला था कि हर स्टेट में एक डिटेंशन सेंटर कम से कम होना चाहिए। महाराष्ट्र में न्यू मुंबई नेरल पे एक बड़ा 3.5 एकड़ की जगह ली गई है जहां पर डिटेंशन सेंटर बनाने की बात हो चुकी है। तो प्रधानमंत्री ने यह भी झूठ कहा कि डिटेंशन सेंटर्स नहीं है। आसाम की बात बताता हूं, 6 डिटेंशन सेंटर्स है जहां पर मेरे पास मैसेज ये सोशल मीडिया पे वायरल है कि कितने लोगों की वहां जान चले गई। तो किस तरह से प्रधानमंत्री की बात को हम सच माने, सबका साथ सबका विकास, सबका विकास करने के बाद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम ऐसा कानून जो सीएए है वो तो असंवैधानिक है, इस बेस्ड ऑन द रिलीजन, रिलीजन की बुनियाद के ऊपर ही तो आप ये कानून लाए हैं जो संविधान इस चीज की इजाजत नहीं देता। देखिए आज जो लाखों लोग सड़कों पे उतरे हैं ना, बारिश पठान साहब बताना चाहता हूँ, सिर्फ मुसलमान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में है, उनको तय करने दीजिए, लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री सीधे सीधे संविधान को बचाने के लिए नहीं, मतलब मुसलमानों का झंडा सिर्फ आप ही लोग बुलंद कर रहे हैं क्या, या अपनी वोट बैंक की राजनीति को चमकाने की पॉलिटिक्स है एआईएमआईएम की? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार विश्वास बहाली की बात कर रहे हैं, आप उल्टा ही जवाब दे रहे हैं, तो क्या मुसलमान है? नहीं, ये वो जो लोग हैं, बोलिए, नहीं हम कैसे मान सकते हैं उनकी बात को सच्चे? आज जो रस्ते पे उतरा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, स्टूडेंट उतरा है, सब, ये तो रिलीजन नहीं रखता ना कोई भी, ये तो देश का फ्यूचर है, ये उतरा है संविधान को बचाने। तो यही तो वो बात कह रहे हैं कि पहले पढ़ तो लें कि एनआरसी और सीएए में है क्या, रिलीजन के बेसिस पे नहीं बना सकते, एनआरसी को लेकर कभी चर्चा तक नहीं हुई है, लेकर इतना ढोल पीट रहे हैं आप लोग, यही तो वो कह रहे हैं। ठीक है साहब, मैं लौटूंगी आपके पास केके शर्मा जी से, उसका मैं जवाब ले लेती हूँ जो आपने बातें कही है। एनआरसी का बिल तो ना आपने देखा है ना मैंने देखा है, पर आसाम का एग्जाम्पल तो आपके हमारे सबके सामने है, असम का एग्जाम्पल तो सामने है के शर्मा जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दरअसल अब डैमेज कंट्रोल की कवायद है बीजेपी की? लोगों के नाम नहीं है उसमें। चित्रा जी, एक कहावत बहुत प्रसिद्ध, बिल्कुल डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, तीर निकल गया, आप सोए हुए को तो जगाना आसान है, लेकिन जागे हुए को जगाना कहा कि हम पूरे देश में एनआरसी लागू कर देंगे, प्रधानमंत्री बोलते नहीं करेंगे। अब थोड़ा इनको वारिस जी को, हाँ चुप हो गए, बोलिए। तो वही मैं कह रहा हूँ कि सोए हुए को तो जगाना आसान है, लेकिन जागे हुए लोगों को जो सोने के नाटक कर रहे हैं उसका कोई तरीका नहीं है। ये वास्तविक स्थिति ये है कि स्पष्ट प्रधानमंत्री जी ने सारा कुछ स्पष्ट कर दिया। आसाम की जो ये बात कर रहे हैं उसकी भी बिल्कुल स्पष्टता है कि वो राजीव गांधी के एकॉर्ड जो साइन हुए थे 1984 के उस पीरियड पर, वो आसाम एक स्पेशल केस को मान रहे हैं और वो कोर्ट मॉनिटरिंग के तहत जो है वहां पर ये पूरे प्रक्रिया को चलाया गया है, और उस पर भी अभी भी वो फाइनलाइज नहीं है, अभी भी कोर्ट मॉनिटर्स वो कार्रवाई चल रही है। वो कोई उसका वो देश भर का कोई कायदा कानून है ऐसा नहीं है,
लेकिन जो बहकाने का इनका तरीका है लोगों को, जो बहका के रोड में लाकर हिंसा कराने की जो कोशिश इन लोगों ने लगातार पिछले 7-8 दिनों से करके देश के वातावरण को प्रदूषित करने का काम किया है। सर आप भी पहले चर्चा करवा लिए होते, पहले लोगों से राय जान लेते, पहले पूछ लेते मशवरा क्या होना चाहिए, बीच का रास्ता कैसे निकला जाए। मैं बताऊं? बिल्कुल आप ही बोले, आप ही से ये सवाल। मैं आपको बता रहा हूँ, ये राज्यसभा और लोकसभा चित्रा जी क्या है, ये जनप्रतिनिधि यहाँ देश भर से चुनकर आते हैं। 3 दिन तक लोकसभा और राज्यसभा में इस पर बहस हुई है, ये कोई चोरी छुपे कानून लाया गया है? वो कह रहे हैं दुर्योधन का अहंकार दिखाया आपने। सुनिए 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 एक मिनट, राज्यसभा और लोकसभा क्या होता है? राज्यसभा लोकसभा चुने हुए देश भर के जन प्रतिनिधि वहाँ होते हैं, वहाँ पर 3 दिन तक चर्चा हुई, आप लोगों ने पूरी चर्चा दिखाई है। नंबर वन, आज ये कोई पहली बार इंट्रोड्यूस तो हुआ नहीं, इसके पहले भी ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो चुका था ये बिल, ये सेलेक्ट कमेटी को भी जा चुकी है ये बिल, जो ये कहते हैं सेलेक्ट कमेटी तो इससे भी अलग है। आज प्रधानमंत्री ने कहा एनआरसी को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, और आपको बता दें राज्यसभा में जिस दिन इस बिल पर जवाब दे रहे थे गृह मंत्री अमित शाह, उनकी ओर से कहा गया कि सीएए तो आ गया है, अब एनआरसी भी पूरा दम ठोक कर लाएगी सरकार। मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात, आपने जो पहला प्रश्न पूछा मैं उसका पहले उत्तर दे दूं ना आपको। आपने कहा ये चर्चा नहीं हुई लोगों को, उसमें कोई भी बिल आने से पहले उसकी क्या प्रक्रिया पहले है? आपको यदि गृह मंत्री जी के भाषण यदि आपने सुने हो तो वो बिल जो है बकायदा पब्लिक फोरम पर रखी जाती है और उस पर लोगों के सुझाव आते हैं, उस सुझाव के आधार पर बिल जो है फिर बाद में संसद में आता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई चोरी छुपे नहीं हुआ कि रात के अंधेरे में बिल लाई गई। नंबर ये चोरी छुपे तो कुछ हुआ ही नहीं है, आप लोग ही दरअसल और प्रधानमंत्री के ही शब्दों में ये एक एक ऑब्जेक्शन का जवाब दिया गया है। बिल्कुल, जो विपक्ष इतनी लंबी चौड़ी चर्चा हुई, 48 लोगों ने लोकसभा में, 44 लोगों ने राज्यसभा में, पक्ष विपक्ष में अपनी बात रखा, और आप लोग कह रहे हैं कि दरअसल अचानक से आनन फानन में देश के दूसरे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार ये बिल लेकर आई, कौन भरोसा करेगा सुनी चोपड़ा आपकी बातों पर? हमारी बातों पे आप भरोसा भले ना करिए, मैं तो सिर्फ दो और बातें बताऊंगा। एक बात है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा और उनके पुलिस के इंचार्ज ने कहा कि पुलिस की एक भी गोली नहीं चली। आवाज दे दीजिए। और हमने कानपुर की तस्वीर आज ही टेलीविजन पे देखी है, कैसे वो रिवॉल्वर चला रहा है। पहला झूठ। दूसरा झूठ के लगातार इन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 और 35 ए को नहीं बदला जाएगा, जो बसें जला रहे हैं और उसको एकदम बदल दिया। इसके साथ साथ इन्होंने एक और चीज कही, इन्होंने एक और चीज, अरे चिल्लाओ मत, तुम्हारा मुंह काला हो रहा है, पुलिस की गाड़ी काला हो रहा है, वो आपकी आग क्या, और उस समय आपकी आग में क्या पट्टी लगी हुई है, मुंह काला हो रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, खून की राजनीति करने वाले, हिंसा की राजनीति करने वाले, आप जो है गन बांट रहे हैं, रिवॉल्वर बता रहे हैं, आपके झूठ आपके मुंह पे, आपका झूठ आपके मुंह पर है, और सारी दुनिया ने देखा मुख्यमंत्री ने किस तरह से हिंसा की राजनीति की है और किस तरह से आप लोगों ने सरेआम जो है बसें चलाई है, किससे बदला लेगा, सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान किया आपने, पुलिस पर आपने हमला किया, गुंडे प्रणाली लेकर आया मैदान पर, देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, वहां पर आपकी सरकार है, कैसे मना किया था लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए, जब आप लोगों के हाथों में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो पाया तो विपक्षी दलों पर आप ठीकरा फोड़ दीजिए। बिल्कुल नहीं, 15 लोग मारे जा चुके हैं, कौन है वो लोग, प्रदेश से आए लोग हैं, और हिंसा करना किसने उपद्रव के लिए बकाया है, पैसा खा गए हो, कंट्रोल ही तो कर रहे हैं, कानून व्यवस्था कंट्रोल कर रही है, लेकिन ये तो सामान्य व्यवस्था है ना, क्या कर रही थी, सामान्य व्यवस्था है ये तो गली मोहल्ले से कहीं से भी निकल के 50 लोग आकर गाड़ी फूंक दे तो उसकी क्या व्यवस्था, विपक्ष पूछ रहा है गोली चलाएंगे, ऐसे में गोली चलाई जाएगी नहीं तो क्या करें, आप पूरी संपत्ति अभी जब आप कानून व्यवस्था नहीं मानेंगे, लाठी चार्ज किया, वाटर कैनन यूज किया, कासू गैस यूज किया, इसके बाद आप जो है हत्या करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, सार्वजनिक संपत्तियों को जला रहे हैं, तो अभी कोई सुनवाई नहीं होगी। सवाल तो मैं महत्वपूर्ण है ना सुनील चोपड़ा जी, ये पूछ रहे हैं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उपद्रवियों से कैसे निपटा जाएगा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, क्या हो रहा था, क्या कर लेती हूँ।
ठीक है सर, तौसीफ खान आपके पास लौटते हुए आज प्रधानमंत्री ने, ठीक है सुनीत जी हो गया, रक्षक पद भी नहीं है जी। सुनीत चोपड़ा जी मैं लौट रही हूँ आपके पास, तौसीफ खान को भी थोड़ा बोल लेने दीजिए। तौसीफ खान साहब, प्रधानमंत्री ने आज रामलीला मैदान में चुन चुन कर आप लोगों की ओर से भी जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसका जवाब दिया। उनकी ओर से कहा गया कि बांग्लादेशी शरणार्थियों के लिए तो ममता बनर्जी खुद ही आकर मदद मांगती थी और कहती थी घुसपैठियों को भगाओ, आज जब वो बीजेपी की मोदी सरकार कर रही है तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है। चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा तो नहीं चलेगा देश में। देखिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एनआरसी को लेकर के कोई हमने कोई बयान नहीं दिया है, ये तो सरासर गलत बात है। देखिए, एक पति और पत्नी का रिलेशन जितना गहरा नहीं होता उससे भी ज्यादा गहरा रिलेशन है अमित शाह जी का और मोदी जी का। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा है कि हम एनआरसी लाएंगे, जब वो सीएबी लेकर के आए थे उन्होंने कहा कि हम एनआरसी लाएंगे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम एनआरसी लेकर के आएंगे और अमित मोदी जी कह रहे हैं कि हमने एनआरसी के बारे में कोई बात ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम एनआरसी के बारे में कोई बात ही नहीं किया, रिश्ते की तुलना मत करें। वो कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। मोदी ममता बनर्जी वाले सवाल पे जवाब दीजिए ना उनकी, ममता बनर्जी पहले क्या एक प्रधानमंत्री के इजाजत के बगैर एक गृह मंत्री कोई भी बात कह सकता है क्या? प्रधानमंत्री के इजाजत के बगैर नहीं। देखिए, क्या देश का हमारे देश का गृह मंत्री, क्या आप ये कहना चाहते कि प्रधानमंत्री के इजाजत के बगैर गृह मंत्री ने आकर के पार्लियामेंट में ये बात कह दिया? आज मोदी जी कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, हम नहीं डरेंगे। आप लिखित में दे दीजिए, इस तरह के जो आप लिखित में दे दीजिए, हम नहीं डरेंगे, बिल्कुल बोलना नहीं देना चाहिए। लिखित में कुछ और करते हैं, आप नोटिफिकेशन लिया है, मैं समझता हूं बिल्कुल गलत, नोटिफिकेशन उन्होंने गलत तुलना की है, लेकिन आप गलत तुलना, आप मैंने उनको सॉरी कराई है इसके लिए, ठीक है। तौसीफ खान आप आगे से ध्यान रखिएगा, करनी चाहिए इस तरह की बात करने के लिए। तौसीफ खान, ये भाषा शैली नहीं हो सकती। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री से इन लोगों का दूसरे की बात नहीं मानते, आप क्या कहना चाह रहे हैं? 31 जुलाई 2019 का नोटिफिकेशन है, 31 जुलाई 2019 का नोटिफिकेशन है कि एनआरसी आपने ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, एनपीआर का आप एनपीआर का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। आप तौसीफ खान साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है उस पर आइए, उनकी ओर से क्या कहा गया है कि ममता बनर्जी पहले कुछ और बोलती थी अब कुछ और बोलती हैं। इस बात का डर है ना कि 2019 में बीजेपी ने उनके गढ़ में घुसकर 18 सीटें जीत ली, 2022 ममता दीदी के हाथ से नहीं चला जाए, इस वजह से चूंकि मोदी सरकार लेकर आई है तो इसलिए हल्ला हंगामा जो और जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं पश्चिम बंगाल से, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मोदी सरकार इसके पीछे है और मोदी सरकार से डर है ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी ने सीएबी लाने को नहीं कहा था, ममता बनर्जी ने ओपनली अपोज किया है सीएबी का। सीएबी का अपोज होने के बावजूद ये बिल आया है, 2016 में भी आया था, उस टाइम में भी अपोजिशन हुआ और दोबारा इसको लाया गया। और कैसे लाया गया कि आपने सेलेक्ट कमिटी का रिकमेंडेशन को नहीं पढ़ा, आपने इंटेलिजेंस ब्यूरो का इनपुट नहीं देखा, आपने इंटेलिजेंस ब्यूरो का इनपुट था कि भाई लगातार झूठ बोल रहे हो, बिल को पास करेंगे आपको कोई जानकारी नहीं है, खराब हो सकता है, आपने जानबूझ करके ये बिल को लेकर के आए, आपने माहौल को बिगाड़ दिया। और क्यों आप 15 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, आप अपनी राजनीति के लिए इलेक्शन जीतने के लिए आप कुछ भी करेंगे? वो तो यूएन जा रही है, उनको तो भारत के संविधान पर भरोसा ही नहीं है। सवाल के साथ मैं जाऊंगी, मतलब यूएन जाने की क्या जरूरत है? वो तो यूएन जा रही है, उनको भारत के संविधान पर भरोसा ठीक है, वो तो भारत लेकिन उसके पहले जरा एक बार मैं जेडीयू का रुख करते हुए, सर अभी ना चर्चा हुई ना कुछ हुआ ना कुछ हुआ, ये बीजेपी जो जेडीयू है ये इतना कूद कराकर क्यों कह रही है कि एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगा? सीएए पर गलती हो गई क्या, जिसका डैमेज कंट्रोल करने की कवायद में जेडीयू लग गई है जब उसकी ही पार्टी में फूट पड़ गई? तो देखिये चिताजी, सबसे बड़ी बात है कि जहाँ कैब बार में सीए बना, कैब में हमारी पार्टी ने समर्थन दिया, वोट भी दिया,
कैब से हमें कोई एतराज नहीं था। जहां तक एनआरसी की बात करी, पार्टी का पहले से ही स्टैंड क्लियर है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसके कहने पे या हम बैकफुट पे आ गए या डैमेज कंट्रोल। अरे आपकी खुद की पार्टी में नेताओं के चेहरे आप गिन लीजिए। मैं बात सुन, मैं बता रहा हूँ, कई ऐसे मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा कि हम एनआरसी का विरोध कर। मैं आप मुख्यमंत्री के बयान देने से पहले लगातार आपको चैनल को छोड़ के हर चैनल पर मैंने कहा कि एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगा, इसलिए पहले ही पार्टी का स्टैंड क्लियर है। सीए पर समर्थन क्यों फिर? नहीं, सीए देखिए, सीए पर समर्थन पार्टी का स्टैंड था किया तो, लेकिन एनआरसी पर नहीं था। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है, एक हमको बस 10-20-30 सेकंड का मौका दिए। मसला यहाँ पे देखिए, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, एक तो एनडीए में वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के टाइम में देख लिए कि एनडीए का कोई कन्वेनर होता था, इस तरह समस्याओं के समाधान के लिए एनडीए की बैठक होती थी। मैं समझता हूं कि आज जरूरत है कि एक एनडीए के बैठक, एनडीए कोई कन्वेनर हो, कम से कम सबके अलग अलग जो विचारधारा के लोग हैं सब इस मामले को हल कर सके। मैं जाति तौर पर भी कह रहा हूँ, और ये मांग भी की गई कि इस मसले का हल निकालने के लिए एनडीए की बैठक बुलाई है। दूसरी बात, अमित शाह मैंने 30 सेकंड दिए, मैं बारहा मैंने कल भी कहा है, कई चलो कहा कि प्रधानमंत्री जी अगर आके अपनी इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है, अगर बयान देते हैं तो मैं समझता हूं कि देश में कंफ्यूजन है वो दूर होगा। मुझे लगता है कि इसका असर पड़ेगा, इससे इनकार नहीं किया। लेकिन ये बात उत्पन्न कहां से हुई, बिल्कुल मैं इसको एडमिट मानने के तैयार नहीं हूं कि अगर अमित शाह जी बार बार ये नहीं कहे होते, एनआरसी का अलग मुद्दा आसाम का था, सिर्फ आसाम में होना है, सीए अलग मुद्दा था, एनआरसी पूरे हिंदुस्तान में हर राज्यों में बारहा उन्होंने कहा, ये यही कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। ठीक है, इसके पहले उनिया साहब का एक जल्दी से कमेंट ले लूं, ब्रेक पर जाना है हमें। उनिया साहब, चित्रा जी, कुछ लोग जो हैं वो बीमार होते हैं, मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए खास तौर से अप्लाई होता है, जब उनको दवाई दी जाती है वो दवाई नहीं खाते, वो दवाई इसलिए नहीं खाते वरना वो ठीक हो जाएंगे। तो लगभग ऐसा ही हाल, या ऐसा ही हाल जो है आज विपक्ष का हो गया है कि मोदी जी भड़का तो नहीं रहे आप आज लोगों को इस बयान के जरिए। जबरदस्त तरीके से रैली का होना, इलेक्ट्रिफाइंग एटमॉस्फेयर में वहां लोगों का पार्टिसिपेशन, इन सबको बौखला गया। और सौभाग्य से हमारे पास एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं चित्रा जी, जो कि अपनी बात को इतने बढ़िया तरीके से जन जन तक पहुंचाने के लिए माहिर हैं। उन्होंने अपने पक्ष को बहुत अच्छे से लोगों के सामने रखा, 100 मिनट तक रखा, और आज सीएए इन लोगों के लिए किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं है। आज कंफ्यूजन दूर हो गया। आप देखिए आज के पैनलिस्ट को, वारिस पठान किसकी बात कर रहे हैं, डिटेंशन कैंप की बात कर रहे हैं। आप कंफ्यूजन क्या है, क्योंकि मैं कह रहे हैं कि सीएए से उनका अध्यक्ष नहीं है। अकल लगाओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लंबा चौड़ा देश की राजधानी दिल्ली में भाषण दिया है, उसका लब्बुल हुआ यही, और इसी को लेकर हल्ला बोल में हमारी चर्चा भी जारी है। लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। आज प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी जमकर हमला किया, वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार किया है। ममता दीदी ने कहा है कि देश भर में एनआरसी लागू करने को लेकर पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बयान में विरोधाभास है, जनता तय करेगी कि कौन सही है और कौन गलत है। आइए आपको दिखा देते हैं ममता बनर्जी का इशारा आखिर प्रधानमंत्री की किस बयान की ओर। कि एनआरसी और इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, एनआरसी करेंगे तब स्पष्टता के साथ इसी प्रकार से इसी सदन में एक भी शब्द छोड़े बगैर मैं सबको इसकी भी जानकारी दूंगा, इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मगर मानकर चलिए एनआरसी आने वाला है, एनआरसी बस कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो हो सिर्फ आसाम के लिए करना पड़ा। अब एनआरसी का सच क्या है, इसी को लेकर के शर्मा जी जरा जवाब दीजिए। ममता बनर्जी का इशारा जिन बयानों की ओर था, देश की जनता ने उन बयानों को आज तक के जरिए सुन भी लिया है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं एनआरसी पर चर्चा भी नहीं हुई, उधर अमित शाह कह रहे हैं कि एनआरसी बहुत जल्द आने वाला है। सुनिए चित्रा जी, ये जब तुरंत आ रही हूं आपके पास। जब सदन के अंदर ये बहस हो रही थी और वहां पर जब जवाब तलब था और प्रश्न उठाया गया था, उसका जवाब दे रहे थे। क्या कहा उन्होंने कि सीएबी और एनआरसी का कोई लेना देना, आपस में कोई लेना देना नहीं है। पहली लाइन उन्होंने ये क्लियर की, उन्हें कहा कि जब एनआरसी का विषय आएगा तब मैं स्पष्टता के साथ सदन में इसके विषय में सबको बताऊंगा। जब एनआरसी आएगा तब आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। पूरी
पूरी बात तो सुनिए। तो इसका सीधा सा मतलब तो यही हुआ ना कि बस लेकर आने वाली है सरकार। इसका मतलब था जब आएगा तब मैं स्पष्टता से बताऊंगा। वो गृहमंत्री हैं देश के ना, तो वो यही तो कहेंगे कि आपने प्रश्न उठाया, सामने वाले लोग इस पर आरोप लगा, एक मिनट ये कह रहे थे, दोनों को जोड़ के प्रश्न प्रकट कर रहे थे, इसलिए उन्होंने पहले क्लियर किया। सहयोगी हैं जेडीयू के, वो सहमत नहीं है। पहले उन्होंने क्लियर ये किया कि सीएबी और एनआरसी का कोई आपस में लेना देना नहीं। बिल्कुल, अब सुनिए दूसरी बात, उन्होंने कहा जब आएगा तब मैं स्पष्टता से इस सदन को पूरे चीज बताऊंगा, पूरे देश स्तर पर मैं बताऊंगा कि क्या बयान तो नुकसान दे हो गया ना। वो कह रहे हैं इसी बयान से तो नुकसान हुआ है। मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं चित्रा जी, जब एनआरसी का विषय आएगा तो स्पष्टता से उसके क्या रूपरेखा होगी, क्या उसके सिस्टम्स होंगे, क्या कानून कायदे होंगे, क्या अभी कोई चर्चा इस पर नहीं हुई है। वारिस पठान साहब फिर इस बात को आपस में जोड़ कर क्यों देखा जा रहा है। अब आएगा मंत्री की ओर से कहा गया कि जब आएगा तब अच्छे से सरकार बता देगी कि एनआरसी लेकर आ रही है, और प्रधानमंत्री ने कहा कि चर्चा तो हो नहीं रही है, लेकिन देश में आग लगाने के लिए कुछ लोग आगे आ गए हैं कि एनआरसी आ रहा है, सरकार ये करने वाली है, वो करने वाली है मुसलमानों के साथ, मतलब बरगलाने की कोशिश तो नहीं है कुछ लोगों की। चित्रा जी, अमित शाह और मोदी नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। अमित शाह ने कहा था कि हम एनआरसी पूरे देश भर में लागू कर देंगे, प्रधानमंत्री कहते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई। अमित शाह ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, जिसको हम टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, वहां पर खड़े होकर कहा कि 130 करोड़ इंडियन लोग सीएए बिल को समर्थन कर रहे हैं, तो फिर क्यों आज 8 स्टेट उसको बॉयकॉट कर रहा है और लाखों लोग सड़क पर उतर गए उसका विरोध करने के लिए। सरासर झूठ बोला जा रहा है। कुछ लोग निकल कर अगर मोदी जी ये भी कहते हैं कि अधिकार दिया है पुलिस वालों को, जो यूपी में घरों में ओवैसी सब की ठेकेदारी लेके बैठे हैं सारे देश की, मार रहे हैं, किसने अधिकार दिया, दो एमपी को रिप्रेजेंट करने वाले आप बता रहे हो, आज रैलियां निकल रही है, आज कानपुर में निकला, जयपुर में सब समर्थन कर रहे हैं, लोगों किसको से समझा रहे हैं, अधिकार दिया पुलिस का उपयोग झूठ बोलने के लिए मत कीजिए। बीजेपी की रूल सरकार है, वहां पर जाकर वो इस तरह का असॉल्ट कर रहे हैं लोगों पे, ये भी सरकार को जवाब देना चाहिए था, और मोदी जी को ये भी खंडन करना चाहिए था कि जो 21 लोगों से ज्यादा लोगों की जाने चले गई, वो बेगुनाह जो रस्ते पे उतरे थे संविधान की रक्षा करने, अच्छा उसको पुलिस ने मार दिया, तो वो क्या संविधान की रक्षा करने उतरे थे या तोड़फोड़ करने जा रहे थे, जो गुंडे के खिलाफ थे, जो मवालीगिरी कर रहे थे वहां पर, जो लाठियां पे चला रहे थे, की जाएगी ये भी प्रधानमंत्री मोदी को कहना चाहिए था। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते करते कब आगजनी, तोड़फोड़ और पुलिस वाले, और आपको अंदाजा है कितने पुलिस वालों को चोटें आई हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है वारिस पठान? जहां पर सरकार है वहीं पर लूट फाट, वर्दी पर किस तरह से पत्थरबाजी की गई है, कौन है वो लोग जो देश में आग लगाना चाहते हैं? मगर मीडिया तो ये देखा जा रहा है कि जो वायलेंस कर रहा है, और जब लोकसभा राज्यसभा में इस पर लंबी चौड़ी बहस हो रही थी उस समय विरोध क्यों नहीं किया गया? बदल के आगे वहां पर वायलेंस कर रहे हैं, ये तो वीडियो है सब तरफ वायरल है, वीडियो हर तरफ चित्रा जी, अरे वायलेंस हर तरह का मैं खंडन करता हूँ, वायलेंस नहीं होना चाहिए, सिविलाइज सोसाइटी में हम रहते हैं, संविधान के आर्टिकल 19 ने पूरी अधिकार दिया है, एक एक करके अपनी बात करेंगे, मगर किसने पुलिस को अधिकार दिया है कि नियतों को जाकर मारे? क्यों जामिया मिलिया में पुलिस घुस गई, क्यों लाइब्रेरी में जाकर मारा, क्यों एएमयू में जाकर मारा, क्यों आज भी यूपी के घर घर में घुसकर मुसलमानों के घर पे कुछ नहीं बोल रहा है, दंगे की तरह मार रही है लोगों को, मारा जा रहा है, घर में फाट पटाई जा रही है, किसने अधिकार दिया, किसने पुलिस को अधिकार दिया कि जहां पर बीजेपी रूल स्टेट है वहीं पर वायलेंस होने के बाद कितनी पार्टियां हड़ताल जा रही है, ये 26 लोगों की जो वारिस पठान, ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, ये सवाल तो महत्वपूर्ण है, पहले एक पर्टिकुलर जगह तक ही हिंसा थी, पहले असम और उसके आसपास ही हमने देखा था, और वो भी उसमें हिंदू मुसलमान कतई नहीं था, उसमें इस बात को लेकर विरोध हो रहा था कि दरअसल असम और उसके आसपास के इलाकों में कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को या फिर शरणार्थियों को, अगर ये प्रोटेस्ट हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये प्रोटेस्ट देश के संविधान को बचाने का है, ये प्रोटेस्ट देश की डेमोक्रेसी को बचाने का है, उसी संविधान का हवाला देकर तो ये बोल रहे हैं, उसी संविधान की शपथ लेकर तो वो सरकार में आए वारिस पठान, ये तो रजाकारों का संविधान मानने वाले और अमित शाह की फासिस्ट रिजिम के खिलाफ है, इनको भारत के संविधान से क्या लेना, इन्वॉल्व हुए पीएचडी के स्टूडेंट्स है, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, सब आए हैं रस्तों पे
प्रोटेस्ट कर रहे हैं ड्रेकोनियन और ब्लैक लॉ के खिलाफ। ठीक है उनियाल साहब, लेकिन जिन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पुलिस पिटाई कर रही है या जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी बातों को तो भी सुना जाना जरूरी है ना। अगर उनके भीतर भ्रम की स्थिति है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यानी कि सरकार अपनी बात को लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंचा पाई है। चित्रा ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि CAA मैं वारिस पठान जो एक एडवोकेट है उनको तीन चार बातें क्लियर करना चाहता हूं जो कि जानबूझ के बता नहीं रहे हैं लोगों को। CAA जब एक्ट बन गया तो संविधान का पार्ट बन गया। संविधान का पार्ट बनने के बाद हिंसा क्यों कर रहे थे सात दिन के बाद? ब्रीदिंग स्पेस क्यों था? सेकंड बात, आप ये क्यों भूलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो कि वास्तव में कानून को इंटरप्रेट करता है उसने तुम्हारे मुंह पे तमाचा मारा, 59 पेटिशंस को रिजेक्ट किया और 22 जनवरी की डेट दी, स्टे नहीं दिया तुम्हारे अगेंस्ट। इसका मतलब क्या है? जो आप आर्टिकल 14-15 की बात करते थे वो दरकिनारे रख दिया। इसका मतलब तुम्हारा सारा प्रदर्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। और मेरे दोस्त को नोटिस इशू किया है, बताओ सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया, देशवासियों सुनो, ये बड़े लाइटर वोटर कह रहा हूं CAA, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ भाई, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन खारिज नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्लाई फाइल करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को झूठ नहीं बोला, कोई शक को सुविधा नहीं है, कोई किसी तरह का सीए के प्रति आपके मन में वैर भाव नहीं है। सीए को लेकर संतोष वारिस पठान, आप एनआरसी की बात करते हैं, कैसा शक को शोभा, क्या ऑब्जेक्शन है आपको? आपने मुसलमानों को उससे अलग कर दिया। अरे क्यों अलग किया? आपको पता नहीं संतोष में सीरियस का कानून ब्लैक लॉ है, आपको पता है इसमें डिस्क्रिमिनेशन है, रिलीजन के आधार पर बनाया हुआ कायदा है, ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 15, 21, 22 है, इन तीन देशों वायलेशन ऑफ आर्टिकल से संविधान जिसको हम आप मानते हैं चित्रा जी, उसका वायलेशन है। यहां पर रहने वाली माइनॉरिटी 18% से 33% हो गई है, आपको ये बात पता है।